अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कुछ भी के किचन में बन रही है कलेजी। इसमें मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। चिकन की भी ले सकते हैं आप और गाय की भी, ठीक है। उसको अच्छी तरह धो के और छोटे छोटे पीसेस कर लें। इसमें सिर्फ जाएगा नमक, मिर्च और गरम मसाला। और ये जो है ये मैं पीसने वाली हूँ गोल धनिया जो है, इससे कलेजी की बू ख़त्म होती है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया, हरी मिर्च, इन तीनों को मैं पीस के इमली के पल्प के साथ अपनी कलेजी में, अपनी नहीं मतलब कलेजी में लगाऊंगी। अच्छा, अगर दो चीज़ें, दो टिप्स हैं मेरे पास कि अगर हम इसमें थोड़ा सा गोल धनिया पीस के वो लगा दें या साथ में सिरका, वाइट सिरका जो होता है वो इसमें आप लगा दें तो इसकी बू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला है बेसिकली ये। आप ये मसाला किसी भी गोश्त पे, चिकन पे, बीफ मटन जिस पे भी चाहें आप इसको लगा सकते हैं, फ़िश पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे। लहसुन अदरक और दही और यहाँ पे है जर्दे का रंग, ठीक है। मैं इस मसाले को पीस के आपको दिखाती हूँ अभी और अपनी चाय पी रही हूँ वो ख़त्म करके, फिर आपको मैं मसाला लगाना बताती हूँ कि मैं कैसे लगा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा मसाला यहाँ पे तैयार है, इसको हम इसमें डालेंगे। और ये जो है सब चीज़ें, नमक, मिर्च, गरम मसाला, मिर्च, गरम मसाला और ये जर्दे का रंग, मैं इसमें इसको डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में थोड़ा सिरका डालें आप सबसे पहले ताकि इसकी बू ख़त्म हो, और फिर ये मसाला जो पीसा है वो इसमें शामिल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त सा कलेजी बनने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त सी, ठीक है। अच्छा जी, 1.5 किलो के करीब मैंने कलेजी लिए। अब आ गया गरम लहसुन अदरक, ये भी इसमें मिला दूँ, अगर कम है तो और डालेंगे। 3 टेबल स्पून आपको लहसुन अदरक इसमें डालना है, ठीक है। ये चमचा तो गंदा है शायद, सही, 3 हो गया इस तरह। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके आप रख दीजिए इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, फिर उसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे जब तक ये पकेगा, फिर उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं जी। यहाँ पे मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और ये अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। इसने पहले अपना पानी भी छोड़ा है कलेजी ने, और फिर जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसको अच्छी तरह भून के हम उतार लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने घी डाला है, ठीक है, और दही डाला है 1 कप, यानी जो मैंने मसाला पीसा था, हरी मिर्चें, ज़ीरा, गोल धनिया और इमली का पल्प, ठीक है, वो पीस के भी लगाया था। उसके अलावा लाल मिर्च, नमक और ज़रा सा जर्दे का रंग, उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट और क्या गया था, सिरका जो मैंने शुरू में धोने के बाद लगा दिया था ताकि इसकी बू ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप गोल धनिया भी थोड़ा सा कुचल के उसको भी सिर्फ लगा दें तो उससे भी इसकी बू गायब हो जाती है, ठीक। कोई सी भी कलेजी हो, चाहे गाय की हो या चिकन की हो, ये जैसे ही पानी खुश्क होता है उसको अच्छी तरह भून के, जब इसका घी या तेल ऊपर आएगा उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊँगी, ठीक है। हाँ तो जी, हमारा ये कलेजी टिक्का मसाला वाली कलेजी जो है वो रेडी है, बहुत ही मज़ेदार है, चख के देखी। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, फिर उसके बाद आप इसी मसाले में बाकी कोई सा भी गोश्त पका लीजिएगा और बहुत इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।